खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दक्षिण अमेरिका के गयाना में खेला जाने वाला भारत विंडीज सीरीज का पहला वनडे मैच रद्द हुआ। लगातार बारिश के चलते सिर्फ 13 ओवर में ही मैच रोकना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। हालांकि घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे अमला। 36 वर्षीय अमला ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेले गए कुल 349 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 18,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं अमला। इंग्लैंड में चल रही टी20 ब्लास्ट सीरीज में बना नया टी20 रिकॉर्ड। एक मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने लेस्टरशायर टीम के खिलाड़ी कॉलिन एकरमैन। आईपीएल 2020 से पहले किंग्स इलेवन पंजाब को झटका। पंजाब के मुख्य कोच माइक हेसन ने दिया कोच पद से इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया और संगीता फोकाट कर सकते हैं शादी। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद दोनों के परिवार इस पर लेंगे फैसला। विश्व तीरंदाजी संघ ने भारतीय तीरंदाजी संघ को किया बैन। भारतीय संघ को व्यवस्थाएं ठीक करने की मिली सलाह। भारत पाक के रिश्तों की चपेट में आया डेविस कप। पाकिस्तान में खेले जाने वाले डेविस कप में भारतीय टेनिस टीम के हिस्सा लेने पर लगा सवालिया निशान। कल के प्रो कबड्डी लीग मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने तेलुगु टाइटंस को 47-26 से हराया। इस जीत के साथ अंक तालिका में बेंगलुरु पहुंचा तीसरे नंबर पर। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी गैब्रियल जीसस पर लगा 2 महीने का बैन। हाल ही में कोपा अमेरिका लीग में गैब्रियल ने आपत्तिजनक व्यवहार किया था।